चलिए आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग का न्यू टॉपिक होगा डिस्क्रिशनरी और इसमें भी हम लोग सभी तीनों मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हमारे पास एक बुक है, पब्लिकेशन है, एसपीपीडी पब्लिकेशन है और इसमें एक सेलेक्टेड क्वेश्चन किया गया है जिसमें सभी तीनों मेथड से यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग सीरीज। हमारे पास निम्नलिखित सीरीज दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे एक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, बट हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को हम लोग तीन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे क्या पता चलेगा कि हम लोग तीन मेथड सीख जाएंगे और दूसरा ये बेनिफिट होगा कि एग्जाम में हम लोग तीनों मेथड सीख करके ही जाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि एग्जाम में एक मेथड सीख कर जाते हैं और उसे क्वेश्चन किसी और मेथड से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और वहां पे उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज के लिए भी और साथ साथ में एग्जाम के लिए भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो उसको तीन मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हो या फिर डिस्क्रिट सीरीज का क्वेश्चन हो, उसे हमें तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। तो हम वैसा ही क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जिसे हम तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके बताया गया है, फिर भी हम यहाँ पे तीनों मेथड का यूज करेंगे। चलिए आइए हम लोग, तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ मीन। एक्स का डेटा है हमारे पास 10, 30, 50, 70 और 90। फ्रीक्वेंसी है दिया हुआ है 8, 12, 20, 40 और 20 है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए यहां पे बाय द डायरेक्ट मेथड, पहले फार्मूला को हम लोग लिख लेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एन। आप इसको सिग्मा एफ से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो आइए यहाँ पे इसको हम लोग एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 80, 12 या 36, 360, 5 × 10 यानी 1000, 7 × 28 2800 और 9 × 18 1800। चलिए इसको सम करिए टोटल, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, 8 × 6 = 14, 14 का 4 हाथ में 1, 3 और 1 = 4, 8 × 4 = 12, 12 और 8 = 20 का 0 हाथ में 2, 2 और 1 = 3, 3 और 2 = 5, 5 और 1 = 6 यानी 6040। और इसको सम करिए, एन बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 2 = 10 का 0 हाथ में 1, 1 और 1 = 2, 2 और 2 = 4, 4 × 4 = 8, 8 और 2 = 10 यानी 100। फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करिए तो क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू कितना आया है, 6040 और एन बराबर कितना है, 100। एक जीरो कैंसिल होगा यानी टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो मीन इक्वल टू आ जाएगा 60.4, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस आंसर को आप याद रखेंगे क्योंकि अभी हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे और उसमें भी आंसर कितना आना चाहिए, 60.4 आना चाहिए। आइए तो क्वेश्चन ये सेम रहेगा, चलिए चलिए सिर्फ इसको मिटाते हैं। बाय द शॉर्टकट मेथड। चलिए यहां पे भी लिख दीजिए, बाय द शॉर्टकट मेथड। किस मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका,
ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन। ठीक है, आइए यानी हमें क्या चाहिए, पहले डीएक्स चाहिए वैल्यू, तो आइए यहाँ पे डीएक्स हम लोग करते हैं डिफरेंस किसमें, एक्स माइनस ये, ध्यान रखेंगे एक्स माइनस ये इंडिविजुअल सीरीज में बताया गया है वहां पे। ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स का डेटा ये है और इस डेटा में से किसी भी डेटा को आप एज्यूम कर लीजिए, यानी ए का वैल्यू मान लीजिए, तो इसे सेंटर वैल्यू का अधिकतर माना जाता है, ये हम ए का वैल्यू मान लिए 50 को, यहाँ पे 50 हो जाएगा। इसका सीधा में यहाँ पे 0 रखना है और कितना का डिफरेंस है 20, तो 20 और माइनस 40 डिफरेंस करना है, 10 में 50 को माइनस करेंगे 40 बैलेंस बचेगा, 30 और 50 माइनस करेंगे 20, या फिर जितना डिफरेंस है 20 का तो 20 से इंक्रीज करते जाएगा, यानी अपर में माइनस आएगा और लोअर में प्लस आएगा, यही चीज रिपीट होगा 20 और 40। चलिए नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग का डी एक्स आ चुका है, यहाँ पे एफ है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, एफ डी एक्स आ जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या जाएगा, 8 चौक 32 माइनस 320, 12 दूना 24 यानी 240, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 दूना 8 यानी 800 आ जाएगा, 4 दूना 8 यानी 800 आ जाएगा। चलिए इसको सम करिए टोटल, तो एफ डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी इसको दोनों को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 और 2 5 यानी 560, और 8 8 16 इसका कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1040 ये टोटल आ जाएगा। वैल्यू को फुट करिए यहाँ पे फार्मूला में, तो ए बराबर कितना है 50 और एफ डी एक्स बराबर कितना आया है 1040 और एन बराबर कितना है 100। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मीन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 प्लस 10.4, 50 यानी कि 60.4, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से भी आंसर कितना आया, 60.4 आया। चलिए क्वेश्चन सेम रहेगा और इसको हम स्टेप डिविजनल मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए इसको टोटल हम हटा दिए, अब जो मेथड यूज होगा बाय द स्टेप डिवीजन, चलिए यहां पे टोटल लिख दिया जाएगा, किस मेथड से यूज करें, बाय द स्टेप डिवीजन मेथड। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू सेम फार्मूला होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन, और यहाँ पे डाइस होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सी, यानी आई, सी को हम लोग आई भी कह सकते हैं, यानी इंटरवल क्लास डिफरेंस। तो स्टेप डिवीजन में क्या अंतर हो रहा है, सी से डिवाइड किया गया तो देखिए सी से मल्टीप्लाई कर दिया, बस यहाँ पे छोटा सा अंतर यही है। चलिए तो यहाँ पे एज्यूम 50 को ही रखा गया है, और इसमें सिंपल ये चीज है कि जहाँ पे एज्यूम करेंगे 0 और -1 -2, यानी अपर में -1 -2 -3 इस तरीके से आते चले जाएगा, और लोअर में सेम इसी तरीके से होगा, सिर्फ क्या होगा +1 +2 +3 इस तरीके से आते चले जाएगा। हमें सिर्फ क्या चाहिए यहाँ पे, एफ डी एक्स डैश चाहिए, तो देखिए एफ डी एक्स डैश यहाँ से आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे डैश लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ डी एक्स डैश, और मल्टीप्लाई कर यहाँ पे 8 2 16 12 और 0 40 और 40। ठीक है, ये टोटल हो गया। चलिए इसको सम करिए टोटल, तो आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स डैश इक्वल टू यानी 6 और 2 8 और 2 -28, और इसको ऐड करेंगे तो प्लस में 80। अब यहाँ पे इसको माइनस करिए कितना बच जाएगा यहाँ पे, यानी 60 और 60 में 8 को माइनस कर देंगे तो 52, प्लस में कितना बच जाएगा 52। अब चलिए वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए, तो ए बराबर कितना है 50,
और एफ डी एच डैस कितना आया है 52, और एन बराबर कितना है 100, और सी यानी क्लास डिफरेंस कितना है 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, यानी कितना का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आगे इसका सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस, इसको जीरो कैंसिल कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करिए, दो दुना चार और पाँच दुना दस, दो दुना चार पाँच दुना दस, और 10 से भागा लग जाएगा तो 50, और इसको भागा लगा देंगे तो 10.4, और 50 यानी 8 कर देंगे तो 60.4। चलिए देखिए यहाँ पे भी स्टेप डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करने के पश्चात 60.4 ही आंसर आया। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो चुका है कि मीन का कोई भी सीरीज का क्वेश्चन हो उसे कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर क्या होगा सेम होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहाँ पे भी हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।